जैसे एलोपैथ है, एलोपैथ अर्थात अंग्रेजी दवाइयां, नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा, यानी प्रकृति में वो तमाम औषधियां उपलब्ध हैं, उन औषधियों से आप अपनी बीमारी का इलाज करते हैं, या ऐसे विशेषज्ञ, ऐसे एक्सपर्ट जो ऐसे असाध्य रोग हैं जिन्हें हमेशा के लिए समाप्त किया है। कैंसर पर प्राकृतिक चिकित्सा का इतना ज्यादा प्रभाव है जितना कि आपकी अंग्रेजी दवाओं का नहीं है, या तमाम तरह की जो मॉडर्न साइंस है उन पर प्रभाव जो है कहीं ना कहीं संदेहास्पद जरूर बना रहता है। लेकिन यदि यही चीज अगर हम नेचुरोपैथी में देखें तो नेचुरोपैथी का जो तरीका है, नेचुरोपैथी में जो वह मेरिट्स हैं, जो गुण हैं, वह इतना प्रभावशाली है कि वह हमेशा हमेशा के लिए रोग को समाप्त कर सकता है। यानी कहा जा सकता है कि यह इलाज में बहुत अधिक प्रभावी है। नेचुरोपैथी को के लिए एक दूसरा शब्द अपना क्या किया, छोड़ दिया, आशा छोड़ दिया कि अभी ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन नेचुरोपैथी ने वह कर दिखाया, वह चमत्कार कर दिखाया जिसे कभी भी किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो नेचुरोपैथी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कहीं ना कहीं कम होगा। दूसरी बात, जिस तरह से नेचुरोपैथी का प्रादुर्भाव हुआ और ये वर्तमान समय में लोगों ने अपनाना शुरू किया, तो इसमें रोजगार के साधन भी आपके बहुत अच्छे बन गए। ये नेचुरोपैथी एक आज का नहीं है। अगर मैं बात करूं कि नेचुरोपैथी क्या आज के समय का है, नहीं, नेचुरोपैथी उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य की उत्पत्ति पुराना है, मनुष्य जीव की उत्पत्ति पुराना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष में कभी कोई डॉक्टर नहीं हुआ करता था, और अगर कोई डॉक्टर हुआ करता था तो वह श्रीलंका में हुआ करता था जिसका नाम था सुसेन बैद्य। यानी भारत में कोई बीमारी ही नहीं थी। वजह क्या था? लोगों को प्राकृतिक औषधियों के बारे में जानकारी था, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी था, और इसके वजह से वह हमेशा स्वस्थ रहते थे, बीमारियां उनके पास नहीं फटकती थी। तो नेचुरोपैथी की ये जनरल चीजें हैं जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। अगला क्वेश्चन